हेलो गाइस, वेलकम टू प्रोटेक्ट टेक्नोलॉजी चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ, अगर आप एक कैमरा फोन लेना चाहते हो, जी हाँ गाइस, अगर आप एक कैमरा फोन लेना चाहते हो, उसी के साथ उसमें आपको बेस्ट डिस्प्ले देखने के लिए मिले, बेस्ट परफॉर्मेंस देखने के लिए मिले, बेस्ट बैटरी बैकअप आपको अच्छा मिले, चार्जर ऑल्सो। सो गाइस, इस वीडियो में आज आपको बताने वाला हूँ टॉप 5 बेस्ट कैमरा फोन अंडर 13,000। जी गाइस, आपका सेगमेंट कोई भी हो, लेकिन आपको 13,000 के रेंज में एक तगड़ा स्मार्टफोन चाहिए कैमरे के लिए, तो इस वीडियो को आप पूरा देखना। ये वीडियो बहुत ही ज्यादा रिसर्च के बाद बनाया गया, तो ये वीडियो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आप सबके लिए। तो गाइस, इस वीडियो को पूरा वॉच करना, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, और ये वीडियो इंटरेस्टिंग रहेगा तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब सपोर्ट कर देना। चलिए भाई, वीडियो शुरू करते हैं। सो भाई, वीडियो स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले हम जिस स्मार्टफोन के बारे में बताने वाले हैं, ये मिल जाएगा Redmi Note 10s स्मार्टफोन देखने के लिए मिल जाएगा। इस मोबाइल में आपको कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलेगा, पहले तो आप स्पेसिफिकेशन इसकी सुन लो। सो इसमें आपको मिल जाएगा कैमरे में क्वाड कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा, 64+8+2+2 कैमरा सेटअप होने वाला है। बैक से आपको 4K 30fps वीडियो रिकॉर्डिंग देखने के लिए मिल जाएगा, फ्रंट में आपको 13 मेगापिक्सल देखने के लिए मिल जाएगा, 1080 30fps फ्रंट से रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इस मोबाइल का कैमरा सेटअप लिटरली आपको एक्सलेंट मिल जा रहा है कैमरे के लिए। अगर आप तगड़ा स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो इसके तरफ आप देख सकते हो। वैसे अभी आपको और 4 स्मार्टफोन देखने के लिए मिलेंगे। सो ये मोबाइल कैमरे के लिए एक्सलेंट होने वाला है। सो इसके डिस्प्ले में आपको मिल जाएगा 6.43 इंच का फुल HD रिजोल्यूशन वाला सुपर एमोलेड पैनल देखने के लिए मिल जाएगा, कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोडक्शन देखने के लिए मिल जाएगा, 1100 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने के लिए मिल जाएगी, 60Hz का रिफ्रेश रेट, 120Hz का टच सैम्पलिंग रेट देखने के लिए मिल जाएगा। मोबाइल डिस्प्ले के लिए बेस्ट है ही, और इसमें आपको जो चिपसेट देखने के लिए मिलेगा MediaTek Helio G95 वाला गेमिंग चिपसेट देखने के लिए मिलेगा, पावरफुल बजट रेंज में काफी अच्छा गेमिंग आपको प्रोवाइड कराता है। आपको 12nm फैब्रिकेशन देखने के लिए मिलता है, हीटिंग का प्रॉब्लम, लैग का प्रॉब्लम थोड़ा मोड़ा देखने के लिए मिलेगा, थोड़ा नहीं बहुत देखने के लिए मिलेगा अगर आप हैवी यूजिंग करते हो तो। जी हाँ गाइस, 5 घंटे कंटिन्यू खेलोगे तो आपको हीट का प्रॉब्लम देखने के लिए मिलेगा। सस्ते मोबाइल को आप ROG जैसा यूज करोगे तो क्या बेनिफिट, आपको सेम हीटिंग का प्रॉब्लम तो देखने के लिए मिलेगा, लेकिन ये मोबाइल 60fps तक BGMI आपको प्रोवाइड कराएगा, 60fps तक आप गेमिंग खेल सकते हो। मोबाइल में आपको सारे स्पेसिफिकेशन बेस्ट मिल जाते हैं, इसी को एनहेंस बनाने के लिए UFS 2.2 का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, तो गेमिंग के लिए काफी बेस्ट मोबाइल है। सो इसकी बैटरी में 5000mAh की बड़ी बैटरी, 33W का फास्ट चार्जर USB टाइप सी के साथ देखने के लिए मिल जाएगा, छोटे मोटे सारे स्पेसिफिकेशन आपको बेस्ट मिल जा रहे हैं, और इसके डिजाइन में प्लास्टिक बिल्ड मटेरियल देखने के मिलेगा, हल्का फुल्का वाटर प्रूफ है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट, 3.5mm जैक, डबल स्टीरियो स्पीकर एंड्रॉइड 11 के साथ आता है, ट्रिपल कार्ड स्लॉट आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। सो गाइस, मोबाइल में आपको लिटरली सारे स्पेसिफिकेशन बेस्ट मिल रहे हैं। सो इसके प्राइसिंग की बात करें तो 464 वाला वेरिएंट आपको 12,500 के रेंज में देखने के लिए मिलता है, लेकिन इसको आप सेल में परचेस करोगे तो आपको 11,500 में देखने के लिए मिल जाएगा। जी गाइस, पर मंथ आपको 2-3 सेल अच्छे अच्छे कंपलसरी देखने के लिए मिलते हैं, तो इस मोबाइल को आप सेल में परचेस कर सकते हो। सो आगे बढ़ते हैं, आपको एक मोटो का स्मार्टफोन चाहिए, तगड़ा स्टॉक एंड्रॉइड वाला फील मिलना चाहिए, सो ये मोबाइल आपको मिल जाएगा मोटो G40 फ्यूजन स्मार्टफोन देखने के लिए मिल जाएगा। ये मोबाइल भी लिटरली काफी बेस्ट है। सो इसके कैमरे की बात करें तो कैमरे में आपको 64MP का प्राइमरी कैमरा देखने के लिए मिल जाएगा, 8MP का अल्ट्रा वाइड, 2MP का माइक्रो देखने के लिए मिल जाएगा, फ्रंट में आपको 16MP देखने के लिए मिल जाएगा, बैक से 4K 120fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो, फ्रंट में आपको 1080 30fps पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। लिटरली गाइस, कैमरा इसका एक्सलेंट से बेस्ट प्रोवाइड करा रहा है। सो कैमरे के लिए इस मोबाइल को आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। सो इसके डिस्प्ले में 6.8 इंच का फुल HD रिजोल्यूशन वाला IPS LCD पैनल देखने के लिए मिल जाएगा, 480 निट्स की पीक ब्राइटनेस देखने के लिए मिल जाएगी, HDR10+ का सपोर्ट देखने के लिए मिल जाएगा, 120Hz का रिफ्रेश रेट, 240Hz का टच सैम्पलिंग रेट देखने के लिए मिल जाएगा, पावरफुल डिस्प्ले है, काफी अच्छा डिस्प्ले आपको यहाँ मिल जा रहा है, कॉन्टेंट वॉचिंग के लिए, गेमिंग के लिए डिस्प्ले बेस्ट होने वाला है। सो इसके चिपसेट में आपको जो मिलेगा क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 732G वाला तगड़ा चिपसेट देखने के लिए मिल जाएगा, 8nm फैब्रिकेशन के साथ आता है, UFS 2.2 का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है, पावरफुल चिपसेट है, गेमिंग के लिए इस मॉल को भी आप परचेस कर सकते हो। इसमें आपको बैटरी में 6000mAh की बड़ी बैटरी, 20W का फास्ट चार्जर USB टाइप सी के साथ देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें भी आपको सारे स्पेसिफिकेशन बेस्ट एंड क्लियर मिल जा रहे हैं। सो इसके छोटे मोटे स्पेसिफिकेशन की बात करें तो आपको प्लास्टिक बिल्ड मटेरियल देखने के लिए मिलता है, हल्का फुल्का वाटर प्रूफ है, रेयर माउंटेड फिंगरप्रिंट्स, 3.5mm जैक, सिंगल स्पीकर, हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने के लिए मिल जाएगा, और ये मोबाइल एंड्रॉइड 11 के साथ आता है, और इसमें आपको कोई भी कमी देखने के लिए नहीं मिलेगा। 6128 का प्राइस आपको 13,500 देखने के लिए मिलता है, लेकिन आप ऑफर लगाओगे तो ये मोबाइल आपको 11-12,000 में भी देखने के लिए मिल जाता है, पर मंथ आपको 2-3 सेल देखने के लिए मिलता है, सेल में इसको आप परचेस कर सकते हो। सो आगे बढ़ते हैं, और मिल जाएगा आपको रियलमी 8 4G स्मार्टफोन देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें आपको कैमरा तगड़ा देखने के लिए मिलता है, इसी के साथ डिस्प्ले परफॉर्मेंस बैटरी भी बेस्ट मिल जाएगा।
सो इसके कैमरे में आपको क्वाड कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलेगा, 64+8+2+2 कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल देखने के लिए मिल जाएगा। बैक से 4K 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। फ्रंट में आपको 1080 30 FPS पे वीडियो रिकॉर्डिंग कर सकते हो। कैमरा सेटअप भी इसका एक्सलेंट निकल के आ रहा है। सो इसके और स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं, इसके डिस्प्ले में आपको देखने के लिए मिलेगा 6.4 इंच का फुल HD रिजोल्यूशन वाला सुपर एमुलेट पैनल देखने के लिए मिलेगा। कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 3 का प्रोडक्शन देखने के लिए मिलेगा। 1000 Hz की पीक ब्राइटनेस देखने के लिए मिलेगा। HDR10+ का सपोर्ट देखने के लिए मिलेगा। 60 Hz का रिफ्रेश रेट, 120 Hz का टच सैम्पलिंग रेट देखने के लिए मिलेगा। लिटरली गाइस डिस्प्ले आपको एक्सलेंट मिल जा रहा है, कॉन्टेंट वॉचिंग के लिए गेमिंग के लिए बेस्ट होने वाला है। सो इसकी आपको परफॉर्मेंस में मिल जाएगा MediaTek Helio G95 वाला गेमिंग चिपसेट देखने के मिल जाएगा। 12NF फैब्रिकेशन के साथ आता है, UFS 2.1 का सपोर्ट प्रोवाइड कराता है, पावरफुल चिपसेट है गेमिंग के लिए, इस मॉडल को बजट रेंज में ले सकते हो। सो इसमें आपको जो बैटरी देखने के लिए मिलेगा 5000 mAh की बड़ी बैटरी, 30W का फास्ट चार्जर देखने के लिए मिल जाएगा। और Realme क्लेम करता है 65 मिनट में मोबाइल को फुल चार्ज कर देगा, मतलब 1 घंटे 5 मिनट में। सो मोबाइल काफी तगड़ा है ही। सो इसके छोटे मोटे स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं, यहाँ आपको प्लास्टिक बिल्ड मटेरियल देखने के लिए मिलता है और ये मोबाइल काफी स्लिम है, 7.9 mm थिकनेस के साथ आता है, 177 ग्राम इसका वेट है। ऑन स्क्रीन फिंगरप्रिंट देखने के लिए मिल जाएगा, 3.5 mm जैक, सिंगल स्पीकर, ट्रिपल कार्ड स्लॉट आप यहाँ यूज कर सकते हो। ये मोबाइल एंड्रॉइड 11 के साथ आता है, रियलमी UI 2.0 का सॉफ्टवेयर परफॉर्मेंस देखने के लिए मिलता है। एक तगड़ा ऑलराउंडर स्मार्टफोन चाहिए तो इसके तरफ भी आप देख सकते हो। 4128 वाला वेरियंट आपको 16,000 में देखने के लिए मिलता है, लेकिन आप ऑफर लगाओगे तो ये मोबाइल आपको 11-12 हजार में भी देखने के लिए मिल जाएगा। जी हाँ गाइस, ये मोबाइल आपको 11-12 हजार में भी देखने के लिए मिल जाएगा। थोड़ा ओल्ड हो चुका है लेकिन ये मोबाइल काफी तगड़ा है, इसको आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। सो गाइस आगे बढ़ते हैं और एक तगड़े स्मार्टफोन के बारे में बात कर लेते हैं। यहाँ आपको मिल जाएगा पोको M4 प्रो 4G स्मार्टफोन देखने के लिए मिल जाएगा। इसमें आपको कैमरा तो बेस्ट मिलेगा ही, इसी के साथ इसमें आपको डिजाइन, बैटरी, परफॉर्मेंस सभी आपको एक्सलेंट मिल जाएगा। सो इसके कैमरे में आपको 64+8+2 कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रंट में आपको 16 मेगापिक्सल देखने के लिए मिल जाएगा। 1080 30 FPS से बैक से फ्रंट से रिकॉर्डिंग कर सकते हो। कैमरे के लिए भी मोबाइल काफी बेस्ट होने वाला है। कैमरे के लिए एक तगड़ा स्मार्टफोन लेना चाहते हो तो इसके तरफ आप डेफिनेटली देख सकते हो। सो इसके परफॉर्मेंस में आपको मिल जाएगा MediaTek Helio G96 वाला गेमिंग चिपसेट देखने के लिए मिल जाएगा। 12NF फैब्रिकेशन के साथ आता है, UFS 2.2 का सपोर्ट देखने के लिए मिलता है। ये चिपसेट भी काफी ज्यादा हाई लेवल का आपको गेमिंग प्रोवाइड कराता है, तो गेमिंग के लिए इस मॉडल को आप परचेस कर सकते हो। इसके बैटरी में 5000 mAh की बड़ी बैटरी, 33W का फास्ट चार्जर देखने के लिए मिल जाता है। और पोको क्लेम करता है मोबाइल 60 मिनट में आपको फुल चार्ज करके देगा, मतलब 60 मिनट में 1 घंटे में। मोबाइल काफी तगड़ा, इसमें आपको सारे स्पेसिफिकेशन बेस्ट मिल जा रहे हैं। और इसके छोटे मोटे स्पेसिफिकेशन की बात कर लेते हैं, यहाँ आपको प्लास्टिक बिल्ड मटेरियल देखने के लिए मिलता है। इसमें आपको IP53 की वाटर रेजिस्टेंस रेटिंग देखने के लिए मिलती है। 8 mm थिकनेस के साथ आता है, 179 ग्राम इसका वेट है। मोबाइल काफी लाइट एंड स्लिम मोबाइल है। सो इसमें आपको साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट, 3.5 mm जैक, डबल स्टीरियो स्पीकर, ट्रिपल कार्ड स्लॉट देखने के लिए मिल जाता है। ये मोबाइल एंड्रॉइड 11 के साथ आता है। छोटे मोटे से लेके बड़े स्पेसिफिकेशन इस मोबाइल में आपको बेस्ट मिल जाते हैं। सो इसके प्राइसिंग की बात करें तो इसका बेस वेरियंट आपको 13,000 में देखने के लिए मिलता है, लेकिन ऑफर लगाओगे तो ये मोबाइल आपको 11-11.5 और 12,000 के रेंज में भी देखने के लिए मिल जाता है। पर मंथ आपको 2-3 सेल कंपलसरी अच्छे अच्छे सेल देखने के लिए मिलते हैं, तो ये मोबाइल उसमें आपको 11.5-12 हजार में देखने के लिए मिल जाएगा। सो भाई लास्ट एंड फाइनल मोबाइल के बारे में बात कर लेते हैं। ये मोबाइल सैमसंग का होने वाला है, सैमसंग गैलेक्सी M32 स्मार्टफोन होने वाला है। ये मोबाइल काफी तगड़ा होने वाला है कैमरे के लिए, परफॉर्मेंस के लिए, डिस्प्ले के लिए, बैटरी के लिए। सो इसमें आपको मिल जाएगा कैमरे में क्वाड कैमरा सेटअप, 64+8+2+2 कैमरा सेटअप देखने के लिए मिल जाएगा। फ्रंट में आपको 20 मेगापिक्सल देखने के लिए मिल जाएगा। 1080 30 FPS से बैक से फ्रंट से रिकॉर्डिंग कर सकते हो। इमेज कैप्चरिंग ये मोबाइल लिटरली काफी सुपर निकाल के देता है, तो इमेज कैप्चरिंग के लिए इस मोबाइल को आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो कैमरे के लिए खासकर। सो इसके डिस्प्ले में आपको मिल जाएगा 6.4 इंच का फुल HD रिजोल्यूशन वाला सुपर एमोलेड पैनल देखने के लिए मिल जाएगा। सुपर एमोलेड पैनल देखने के लिए मिलेगा तो आप सब जानते ही हो क्या करना है, डेफिनेटली मोबाइल को परचेस कर लेना है। सो इसमें आपको कॉर्निंग गोरिल्ला ग्लास 5 का प्रोडक्शन देखने के लिए मिल जाएगा। 800 Hz की पीक ब्राइटनेस देखने के लिए मिल जाएगी। 90 Hz का रिफ्रेश रेट, 180 Hz का टच सैम्पलिंग रेट देखने के लिए मिल जाएगा। और ये मोबाइल काफी तगड़ा है, आपको डिस्प्ले प्रोवाइड कराता है गेमिंग के लिए, कंटेंट वॉचिंग के लिए लिटरली काफी बेस्ट है। सो इसमें आपको जो चिपसेट देखने के लिए मिलेगा MediaTek Helio G80 का चिपसेट देखने के लिए मिल जाएगा। 12NF फैब्रिकेशन के साथ आता है, पावरफुल चिपसेट है, लेकिन अगर आप कैमरे के लिए लेना चाहते हो तो इस मॉडल को आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। चिपसेट के लिए इग्नोर कर देना, पीछे के आपको 4 स्मार्टफोन में से कोई भी परचेस कर लेना। सो इसमें आपको बैटरी में 6000 mAh की बड़ी बैटरी, 15W का बॉक्स के अंदर आपको चार्जर देखने के लिए मिल जाएगा, 25W का फास्ट चार्जर सपोर्ट करता है। तो मोबाइल में आपको छोटे मोटे से लेकर बड़े स्पेसिफिकेशन बेस्ट मिल जाते हैं। इसमें भी आपको प्लास्टिक बिल्ड मटेरियल देखने के लिए मिलता है। साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट, 3.5 mm जैक, सिंगल स्पीकर देखने के लिए मिल जाता है। मोबाइल में आपको छोटे मोटे सारे स्पेसिफिकेशन बेस्ट मिल जाते हैं, एंड्रॉइड 11 के साथ आता है। सो इसके वेरिएंट की बात करते हैं, 464 वाला वेरिएंट आपको 13,500 के रेंज में देखने के लिए मिलता है, लेकिन आप ऑफर लगाओगे तो ये मोबाइल आपको देखने के लिए मिल जाएगा
11,500-12,500 में देखने के लिए मिल जाएगा, पर मंथ आपको 2-3 सेल देखने के लिए मिलते हैं, तो सेल में स्मार्टफोन को आप डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। सो गाइस, इस वीडियो में मैंने जितने भी स्मार्टफोन के बारे में बताया, कैमरे के लिए तो ऑलरेडी बेस्ट है ही, लेकिन उसमें आपको परफॉर्मेंस, बैटरी, चार्जर एक्सलेंट मिल जा रहा है, तो आप किसी भी स्मार्टफोन को आपके रिक्वायरमेंट के हिसाब से डेफिनेटली परचेस कर सकते हो। ये वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट रहा होगा, आपको पसंद आया होगा, ये वीडियो अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब सपोर्ट कर देना। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।